Hey, what's up guys, welcome to back my new other video. So guys, कैसे हो? आप सब अच्छे होगे? करने वाले ओप्पो F19s से मर्जी बिल्कुल इंटैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी गैस आपने फ़ोन परचेज तो कर लिया बट आपके जो कॉन्टैक्ट है वो शो नहीं हो रहे हैं। बस यार मैं आपको पहले ये बता दूँ, आपका जो ओल्ड फ़ोन है पहले आपको वो फ़ोन चेक करना चाहिए कि आपके जी मेल पर कॉन्टैक्ट डले गए हों, चाहे आपने अपने ओल्ड फ़ोन में सेव कर लिए हों कॉन्टैक्ट, आप सिम डाल के यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो बट आपके कॉन्टैक्ट शो नहीं हो रहे हैं। तो पहले आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको जो ओल्ड फ़ोन है उसको चेक कर लो, उसमें आपके कॉन्टैक्ट बैकअप को नहीं बचा हुआ। अगर रह गया तो आपको जी मेल आई डी वो अपने न्यू फोन में रजिस्टर कर देनी है। अगर आपको जी मेल का पासवर्ड नहीं पता है फॉरवर्ड कर लेना, फॉरवर्ड करना भी आपको नहीं आता तो सिम में कॉपी कर लेना, सिम डाल के उसमें और आपने इस फोन में आके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर देना है। अब मैं कैसे आपको इस वीडियो में दोनों तरीके बताऊंगा, आपकी सिम के कौन से कौन से इंपोर्ट होंगे, आपके जो वो कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे, इस वीडियो में आपको पूरे तरीके बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ सपोर्ट करना भाई को, चैनल को सब्सक्राइब करना प्रेस कर देना, और आपका कोई भी सवाल जवाब है तो प्लीज़ कमेंट बस में कमेंट कर दिया करो। आपका भाई यहाँ से साथ थोड़ा सा लेट रिप्लाई देगा मगर देगा जरूर। तो बस यहाँ पे आपको क्या करना, सिंपल सा यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिल जाएगा कॉन्टैक्ट का, और वो आपको कैसा होना चाहिए कॉन्टैक्ट का एप्लीकेशन वो भी आपको दिखाऊंगा गाइस। कुछ इस कलर का हमारा एप्लीकेशन होना चाहिए, जो देखो दिख रहा होगा यहाँ पे इस कलर का ही होना चाहिए। अगर इस कलर का नहीं तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है, गूगल का एप्लीकेशन है, वहाँ से जाकर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे एक अकाउंट लगा इस बंदे का एक फोटो लगा हुआ साइड में, इस पर क्लिक करूँगा मैं। इसकी जो कई सारी आईडी हैं यहाँ पे, अब मैं आपको नंबर बाई नंबर यहाँ पे आपको आईडी लॉगिन करके दिखाऊंगा। वहाँ मैं फनी ब्रो, ये एक चैनल है बंदे का छोटा सा, अभी इसको कुछ काम नहीं करता ये, तो जिसने अपने पूरे कॉन्टैक्ट इस नंबर पर डाल रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पे नोनू कुमारी, इस पर मैं क्लिक करके क्लिक करूँगा, तो बस यहाँ पे देखो कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं, नो कॉन्टैक्ट इन दिस अकाउंट। बस इस तरह से यहाँ पे आप अपना जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे अपनी आईडी जितने भी आपको मैनेज करके देखना है, आपने ये आईडी मैनेज कर लिया, अब आप बोलोगे यार मेरे पूरे कॉन्टैक्ट वहाँ से डिलीट हो गए, तो पहले यहाँ पे आपको अपनी आईडी मैनेज करके देख लेनी है गाइस। उसके बाद देखो मैं सेकंड आईडी पर ट्राई करता हूँ dirtyboy.com, इस पर जैसे गाइस क्लिक करूँगा इसमें कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है गाइस, सिंपल सा आपकी जो मेन आईडी है, जो आपको लगता है मेन आईडी, उस पर ही अपने कॉन्टैक्ट रखें, उस पर ही अपने कॉन्टैक्ट का बैकअप रखें। इस बंदे ने अपने सिम में सेव नहीं किए, अब आपकी सिम में सेव है, आपकी किसी भी आईडी में सेव नहीं है, आप बोलोगे भाई मेरे तो सिम में सेव है कॉन्टैक्ट बट वो नहीं दिख रहे, तो आपको क्या करना है, देखो साइड में मिलेंगे आपको 3 लाइन सी, उस पर आपको रेल कलर का एक पॉइंट मिल जाएगा, जस्ट आपको क्या करना है उस 3 लाइन पर क्लिक करना है, और वहाँ पे आपके सामने कौन न्यू इंटरफेस खुल के इस तरीके का आ जाएगा। अब यहाँ पे गाइस आपको मिलेगा नीचे से सेकंड नंबर पे सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ गाइस देखो बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे देखो डिफॉल्ट अकाउंट फोन न्यू अकाउंट और या फोन टेक्स, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गाइस। इस पर क्लिक करोगे चूज अकाउंट पे, यहाँ पे अपना जो मेन अकाउंट है ना वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना गाइस। मेरी जो वॉइस है थोड़ी ख़राब आ रही है उसके भाई रियली सॉरी, सर्दी का मौसम यार थोड़ी मुझे सर्दी हो गई इसलिए मेरी जो वॉइस है ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ पे गाइस ये पूरी सेटिंग आपको कर लेनी है गाइस। अब देखो यहाँ पे मिलेगा मैनेज कॉन्टैक्ट, यहाँ पे sim1 sim2, आप इंपोर्ट पर क्लिक करो, इस तक इंटरफेस गाइस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिख रहा है, आपसे आप कॉल करके मेरे पास बात करना चाहोगे तो भाई मेरे आपसे बात नहीं हो पाएगी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यार ये कहीं का रहने वाला बंदा है, यहाँ पे कुछ दिन के लिए आ गया, अब यहाँ से चला जाएगा, हो सकता है जब आप वीडियो देखो तो यहाँ मेरे पास से चला गया हो तो मेरी आपसे बात नहीं हो पाएगी गाइस। अगर इस नंबर पर कॉल करके देखो चाहो तो मैं इस नंबर को हैड भी कर सकता हूँ, बट मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे से आपकी बात वैसे भी नहीं हो पाएगी। तो देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे जो भी आपको सिम कॉन्टेंट्स हो जाएंगे इंपोर्ट पर क्लिक कर देना, आपको जैसे सेकंड सिम पर क्लिक करोगे फर्स्ट पर क्लिक करके अपना जो भी सिम में आपको डली हुई है दोनों को चेक कर लेना है, ओके पे क्लिक करूँगा मैं तो मेरे कॉन्टेंट्स शो हो जाएंगे यहाँ पे। अब मुझे अगर शो हो रहे हैं तो जो भी कॉन्टेंट चाहिए उससे मैं सेलेक्ट कर लूँगा, नहीं चाहिए तो वैसे हटा दूँगा। और ऊपर मिलेगा आपको इंपोर्ट का ऑप्शन, सिंपल से आपको क्या करना है इंपोर्ट पर क्लिक करना, आपके सारे कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट के एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से अपना अकाउंट भी चूज कर सकते हो जो सा भी चाहोगा ऐसा। इस तरह से अपने कॉन्टैक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, इस तरह से आप कर सकते हो गाइस। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई भी स्टेप मिस कर दिया है, वो भी अगर जो मिस्टेप अगर मैंने इस वीडियो में ना बता पाया हो तो आप मुझे कमेंट कर दोगे कि मैं उसका हमें रिप्लाई आपके कमेंट पर दे दूँगा और आपका प्रॉब्लम यहाँ से सिंपल से सॉल्व हो जाएगा। गाइस यार हम वीडियो क्यों बनाते हैं कि आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम इसलिए नहीं बनाते आप लोगों का प्रॉब्लम बढ़े, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम है, हम लोग जितना हमें हमारे अंदर जानकारी है, जितना भी हमारे अंदर आप लोगों के लिए जो वर्क हम बताते हैं वो बताने के लायक है, जो हम जानते हैं वो आपके लिए बताते हैं गाइस। अगर हम कुछ भी हमें जो नहीं आता वो तो हम नहीं बताएंगे ना, और हमको पता है वो हम आपको बताएंगे, बट आपके कोई भी सवाल हैं अगर हमको नहीं पता हो तो हम रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपका प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व कराएंगे गाइस। ये हमारा मोटिव है कि आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, हालांकि मैं ये नहीं कर रहा कि मैं भी मेरे को भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं कुछ और जनरेशन में, जैसे मुझे मेरे फ़ोन का मेरी सोबत में फ़ोन के बारे में तो मैं कर ही लेता हूँ, यहाँ तक है मेरा और भी बहुत सारे काम होते हैं फैमिली में घर के कुछ हम लोग करते हैं, तो वो भी हमें प्रॉब्लम आते हैं, वो भी मैं यूट्यूब पर देख के यहाँ पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, तो जैसे आप भी कर सकते हो।